गाइस असम का गुड न्यूज़ मिल चुके हैं क्योंकि असम का ज्वाइनिंग होने वाला है और कुछ दिन लगेगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करना क्योंकि आप लोगों को मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूँ क्योंकि असम का ज्वाइनिंग फाइनलिस्ट आ चुके हैं। गाइस मेरा इस यूट्यूब चैनल को पूरा देखना क्योंकि लास्ट तक देखना और आप लोगों को इतना अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए असम का भारतीय रेलवे मालगोदम समीक्षा आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आए हो क्योंकि आप लोग इस वीडियो में देख जरूर देखना और लास्ट तक देखना क्योंकि अभी तक जो आसाम का आदमी है उन आसाम का आदमी का गुड न्यूज़ मिल चुका है, लेकिन आपका सीनियर आपके साथ कोई नहीं डिस्कशन और कोई नहीं पता चला। लेकिन सीनियर लोग जानते हैं, उन लोग को धीरे धीरे बोल देना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं बोला क्योंकि आसाम जितना भी लोग है उन लोगों को एक साथ ज्वाइनिंग मिलने वाले थे लेकिन अभी तक नहीं मिला। और सीनियर बोल रहे हैं क्योंकि असम का जितना लोग है उन लोगों को और दो महीने के बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन हो जाएगा कुछ दिन बाद असम का, और फिर असम के बाद एक महीने के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएगा आसाम का। दूसरा नंबर कोलकाता, कोलकाता की चिंता करने के लिए डरने के लिए कोई बात नहीं है, कोलकाता भी आसाम के बाद दो नंबर के स्टार्ट हो जाएगा। और आसाम में एक मीटिंग होने वाले थे लेकिन कहाँ कब ये भी पता नहीं चला अभी तक, लेकिन पता चलेगा तो मैं बोल देगा। और आसाम का मीटिंग लास्ट मीटिंग होगा और लगता है मुझे 15 दिन 20 दिन बाद में मीटिंग हो जाएगा स्टार्ट असम का मीटिंग, और ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन ये सब एक साथ होगा। और कुछ आदमी कोलकाता का आदमी है, कोलकाता का आदमी है तो आप लोगों को चिंता करने के लिए बात नहीं है, आप लोगों को ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये प्रोसेस चालू नहीं हुआ। जब होगा तब मैं बोल देगा क्योंकि अभी तक कोलकाता के लिए दो नंबर लिस्ट है, दो नंबर के लिस्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन असम का लिस्ट आ चुके हैं सीनियर के पास। और सीनियर लोग नहीं बोल रहे क्योंकि कुछ आदमी का कार्ड नहीं आया, ओटीपी नहीं आया, ओटीपी जब आएगा तब आप लोगों को एक साथ मैसेज आएगा और ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन ओटीपी एक नंबर है, हमारा नंबर वन पोजीशन ओटीपी, ओटीपी आप लोगों को है मोबाइल पर तो आप लोगों को ज्वाइनिंग हो जाएगा, और नहीं है तो आप लोगों को कभी भी ज्वाइनिंग नहीं होगा। लेकिन ओटीपी चाहिए, ओटीपी है तो ज्वाइनिंग है, और ओटीपी नहीं है तो ज्वाइनिंग नहीं होगा क्योंकि हमारे जो कार्ड का क्यूआर कोड का वो सुम का सब कुछ ओटीपी पर आ गया मैसेज पर, मैसेज पर अभी तक आप लोगों को नहीं मिला कुछ आदमी का, लेकिन मिलने चाहिए था लेकिन आप लोगों को नहीं मिला। तो आप लोग सीनियर के पास जाइए, जाकर के बोलिए जी मेरे इस यूट्यूब ओटीपी नहीं है, अभी फिलअप कर दो ओटीपी के लिए, और ओटीपी दे देगा सीनियर लोग उस जगह पर ऑफिस पर। अभी तक मालगोदम के ऑफिस बंद है और कुछ दिन बाद खुलेगा और फिर पंजीकरण स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन दो महीने चाहिए, और आसाम का आदमी को दो महीने चाहिए, दो महीने के बाद धीरे धीरे आसाम का आदमी को ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन देखिए गाइस मेरा इस यूट्यूब चैनल में फास्ट अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि नोटिस का गुड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ नहीं है, नोटिस का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा और दो महीने के अंदर में। और आप लोग जितना भी चाहे आप लोग व्यूअर्स है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का घंटी बजाना क्योंकि आप लोगों को मैं इतना सारा गुड न्यूज़ दे रहा हूँ और इस खुशी में आप लोगों को क्या चाहिए। आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए इतना सालों से सीनियर लोग बोल रहे कब होगा आप लोगों को, और मैं सीनियर लोग को अभी तक आप लोगों को नहीं बोला क्योंकि आप लोगों को ज्वाइनिंग हो जाएगा फिर बोल देगा। और लेकिन मुझे अपडेट आया है, मेरे दोस्त ने बुलाया है और सीनियर, और
स्नेह ने बोला कि आसाम का डरने के लिए कोई बात नहीं, चिंता करने के लिए और आप लोगों को इंजॉयरिंग हो जाएगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ मेरा उस मेरा गोदाम पर आज 20 साल से और 20 साल हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक थोड़ा भी मुझे उम्मीद है क्योंकि ये काम हो जाएगा। लेकिन सीनियर लोग आज पेंडिंग कर रहे हैं मेरा इस गोदाम में और बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक आप लोगों को अपडेट नहीं मिला और मैं इस यूट्यूब चैनल में मैं बोल देगा और जहाँ आप लोग को ज्वाइनिंग होने वाला है और कोलकाता का आदमी है वो गुड न्यूज़ है। आज मीटिंग पर मेरा सीनियर लोग बोल रहे क्योंकि कोलकाता ज्वाइनिंग होने वाला है, लेकिन कोलकाता थोड़ा समय लगेगा और कम से कम 3 महीने लग जाएगा कोलकाता, लेकिन फर्स्ट आसाम में ही होगा और एनआफआर का फॉर्म आएगा मेरे हाथ में और ज्वाइनिंग के लिए, और ज्वाइनिंग का प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। और लेकिन वेरिफिकेशन ख़त्म होने दो आसाम का, और वेरिफिकेशन ख़त्म होगा 3 महीने के और कम से कम 15-20 दिन लगेगा, फिर आप वेरिफिकेशन ख़त्म होने के बाद आसाम का ये परमिट लेटर आएगा और आप लोगों को मैं देखाऊंगा क्योंकि यह है वो परमिट। और मीटिंग पर 6 तारीख का मीटिंग पर बोल रहे क्योंकि उन लोग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जो फोटो देख रहे आप लोग वीडियो पर स्क्रीन पर यह हुई है आसाम का मीटिंग मान लो। और इस मीटिंग पर उन लोग को बोल रहा है कि फास्ट एनआफआर का ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन एनआफआर का आदमी बहुत सारे कम है, बहुत कम है, लेकिन फास्ट आदमी पंजाबी का पंजाब का पंजाब बिहार हरियाणा से फास्ट उन जगह पर यूनियन बहुत ज़्यादा है, इन लोग को उस जगह से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आसाम का बहुत सारे कम कम है और कमती के लिए आसाम का ज्वाइनिंग फास्ट स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड पोजिशन है कोलकाता, लेकिन कोलकाता से इतना सारे लेवल नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है आसाम के साथ, लेकिन फास्ट कम दिया है आसाम पर। आसाम का ख़त्म हो जाएगा और फिर कोलकाता से स्टार्टिंग हो जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। और मेरा इस यूट्यूब चैनल का पूरे देखना क्योंकि आप लोगों को गुड न्यूज़ में दे रहा हूँ और मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना।